यस दिस इज अ चार्ट व्हिच इज कन्वर्टिंग यूनिट ऑफ मास। कि हम क्या सीखेंगे, कन्वर्टिंग यूनिट ऑफ मास व्हिच इज कन्वर्टिंग लार्जर टू स्मॉलर। व्हेन वी हैव टू गो लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट। जब हम लार्जर से स्मॉलर यूनिट, एज वी लर्न मिलीग्राम इज स्मॉलर स्मॉलेस्ट यूनिट, ग्राम हैज ग्रेटर यूनिट एंड किलोग्राम हैज ग्रेटेस्ट यूनिट, देन क्या होगा, ग्राम्स टू मिलीग्राम, ग्राम हैज ग्रेटर यूनिट एंड मिलीग्राम हैज स्मॉलर यूनिट। जब हमें ग्रेटर से स्मॉलर जाना है ना बच्चों, जैसे कि हमने क्या सीखा था, मीटर्स टू सेंटीमीटर्स हम जा रहे थे। मीटर्स क्या था, ग्रेटर यूनिट एंड सेंटीमीटर हैज स्मॉलर यूनिट। तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय 100 सिंपली। उसी तरह जब देखें किलोग्राम से ग्राम, किलोग्राम हैज ग्रेटर यूनिट देन ग्राम, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000। किलोग्राम से जब हमने ग्राम्स में जाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। टी स्टैंड फॉर टन टू केजी, मतलब टन से अगर हमने केजी में जाना है तो हम लोग मल्टीप्लाई बाय 1000। कन्वर्टिंग स्मॉलर टू लार्जर, कि अगर हमने स्मॉलर यूनिट से मीन्स ग्राम से किलोग्राम में जाना है, एज वी नो ग्राम हैज स्मॉलर यूनिट एंड किलोग्राम हैज ग्रेटर यूनिट, सो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 1000। टुडे हमने क्या सीखा है, यूनिट ऑफ वेट, व्हाट इज वेट एंड यूनिट ऑफ वेट, कि यूनिट ऑफ वेट क्या होते हैं, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूनिट एंड वेट, एंड कन्वर्टिंग यूनिट ऑफ मास, कन्वर्टिंग लार्जर टू स्मॉलर। अगर हमें लार्जर यूनिट से ग्रेटर यूनिट की ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को बच्चों, लार्जर टू स्मॉलर, बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो मल्टीप्लाई, अगर छोटे से बड़े की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। सो एग्जाम्पल नंबर वन विच इज एग्जाम्पल नंबर वन केजी इंटू डैश ग्राम। फॉर एग्जाम्पल क्या है, हम कन्वर्जन सीख रहे हैं बच्चों, CONVERSION, कन्वर्जन या फिर कन्वर्टिंग यूनिट ऑफ लेंथ वेट। वेट एंड मैस दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे आपकी बुक के ऊपर मैस लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये वेट ही मैस है। ओ नाउ वी हैव केजी और यूनिट इज 3 kg। वी हैव टू चेंज और कन्वर्ट द केजी इंटू ग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट, केजी इज किलोग्राम एंड ग्राम इज जी, विच इज ग्रेटर, किलोग्राम एंड ग्राम, यस किलोग्राम इज ग्रेटर। जब हमें ग्रेटर टू स्मॉलर यूनिट पे जाना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। यस ग्रेटर से हम कौन से यूनिट की तरफ जा रहे हैं, स्मॉलर यूनिट की तरफ, तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। यस हमने 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1000 के साथ, तो जो हमारा किलोग्राम है वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम्स में, किलोग्राम किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम्स में। 3 × 0 = 3, 3 × 0 = 3, 3 × 0 = 3, 3 × 0 = 3, 3 × 1 = 3। यस बहुत इजी एग्जांपल थी, 3 kg को हमने किस में चेंज कर दिया है, ग्राम्स में। नाउ एग्जांपल नंबर टू, एग्जांपल नंबर टू व्हिच इज
एग्जाम्पल नंबर टू विच इज 70 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम. यस, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने यूनिट्स को देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास किलोग्राम्स में है और हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स में, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स में. किलोग्राम से जब हम ग्राम्स में जाएंगे, मीन्स हमने लार्जर टू स्मॉलर जाना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई. यस, हम इसको 1000 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. यस, केजी, हाउ मेनी केजीज, 70 kg. यस, 70 × 1000 ग्राम. केजी की जगह पे हमने क्या लिखा है, 1000 ग्राम. 70 × 1000 इज इक्वल टू व्हाट, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट एज 1. यस, 70,000 ग्राम्स. हमने किस में चेंज कर दिया, सिंपली 70 kg को किस में चेंज किया है, ग्राम्स में, मींस 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया और ये चेंज हो गया. नाउ एग्जांपल नंबर टू, सॉरी एग्जांपल नंबर थ्री, 56 kg इंटू डैश ग्राम. हमें क्या करना है, केजी को किस में चेंज करना है, ग्राम्स में, किस में चेंज करना है, ग्राम्स में. सो हम क्या करेंगे, 56 केजी हैज ग्रेटर यूनिट एंड ग्राम हैज स्मॉलर यूनिट. हमें ग्रेटर से कहाँ जाना है बच्चों, स्मॉलर में. हमें कहाँ जाना है, ग्रेटर से स्मॉलर में. जब हम ग्रेटर टू स्मॉलर जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम्स. हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 ग्राम्स के साथ. सो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 5, 6, 1, 2, 3 ग्राम्स. सो डिड यू फाइंड एनी डिफिकल्टी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 1, 2 and 3? ओ वेरी गुड, यस, यू हैव नो फाइंड एनी डिफिकल्टी. सिंपल, हमें क्या करना है, ग्रेटर टू व्हेन वी हैव टू गो टू ग्रेटर टू स्मॉलर यूनिट. जब हमें अपने बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट की तरफ जाना है, तो हम मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 1000. और जब हमें नाउ अब हम जाएंगे एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4 व्हिच इज 8 kg 800 ग्राम्स इज इक्वल टू सिंपल क्या है, 8 kg एंड 800 ग्राम्स. हमें बताना है कि ये इस किसके इक्वल आएगी. सो द बोथ नंबर हैव डिफरेंट यूनिट, बोथ नंबर्स हैव डिफरेंट यूनिट्स, सो वी हैव टू चेंज द यूनिट ऑफ वन नंबर. हमें क्या करना है, दोनों नंबर्स के यूनिट्स क्या है, डिफरेंट हैं, तो हमें इनमें से एक ही यूनिट को सेम करना पड़ेगा. अगर आप केजी को ग्राम में चेंज करोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, खुदा बेटा आप बताएं, मल्टीप्लाई बाय 1000. यस, और जब हमें ग्राम से किलोग्राम में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय 1000. ऐसे ही ना बच्चों, जब स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट की तरफ जाना है, तो डिवाइडेड बाय 1000. जब ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ जाना है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1000. यस, सो वी विल मल्टीप्लाई केजी, हम किस केजी को किस में चेंज कर रहे हैं, ग्राम्स में, मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 800 ग्राम्स. ऐसे ही है, 8 × 0 = 0, 8 × 0 = 0. When we multiply a number with 0, our answer is always 0. 8 × 1 = 8. Plus, now we have both numbers have same unit. Now you see that both numbers have same unit. Ke dono numbers ke units kya hai? Same. Yes.
अब हम इन दोनों यूनिट्स को क्या कर देंगे, ऐड 8800 ग्राम। कितना सिंपल है, हमने क्या किया, चेंज कर दिया किलोग्राम्स को ग्राम्स में, और सिंपल बाद में दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया। जैसे हम किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करके बाद में दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे थे, उसी तरह हम किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज करेंगे और बाद में दोनों नंबर्स को सिंपली ऐड कर देंगे। अब हम एग्जाम्पल नंबर देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 इज 6000 ग्राम इज इक्वल टू डैश केजी। 6000 ग्राम इज इक्वल टू डैश केजी। क्या करना है, ग्राम, ग्राम से हमने नंबर्स को हमने किस में चेंज करना है, किलोग्राम्स में। ग्राम से जब हम ग्राम्स में जाएंगे तो शाहबाज हम बेटा क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000। हम इसमें अपने कंप्लीट नंबर्स को डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। 1000 वन्स आर 1000। हम टेबल पढ़ेंगे 1000 का वन टाइम, 1000 का टेबल पढ़ेंगे टू टाइम, 2000। हम 1000 का टेबल पढ़ेंगे थ्री टाइम, 3000। हम 1000 का टेबल पढ़ेंगे फोर टाइम, 4000। हम 1000 का टेबल पढ़ेंगे फाइव टाइम, मीन्स 5000। हम 1000 का टेबल पढ़ेंगे सिक्स टाइम, इट मीन्स 6000। थाउजेंड को हम सिक्स टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास बच्चों, यस 6000। सो माइनस, यस 6 जो हमारे पास आया है वो क्या है, किलोग्राम्स। 6 हमारे पास क्या है, किलोग्राम्स। जो हमारे पास रिमेनिंग बचते वो क्या होते हैं हमारे पास, ग्राम्स। नाउ वी हैव नथिंग टू काउंट, सो और किलो ग्राम्स इज नथिंग, मीन्स हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें हम ग्राम्स को काउंट कर सकें, इसलिए हमारा जो किलोग्राम्स है वो क्या है, 6। आई होप दीज एग्जाम्पल्स विल हेल्प यू टू सॉल्व योर असेसमेंट। इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी टू कम्प्लीट योर टास्क, टू कम्प्लीट योर असेसमेंट, देन यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम ऑन गूगल क्लास और व्हाट्सएप। Stay home, stay safe. Allah Hafiz.